नमस्कार दोस्तों, कभी आपने सोचा है रंगों के बिना हमारी दुनिया कैसी रहेगी? अगर कोई रंग ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? हमारी दुनिया बहुत ही फीकी और बोरिंग लगेगी। रंग है इसलिए दुनिया इतनी खूबसूरत है। रंगों का अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जैसे रंग हमारी सोच पर भी असर कर सकता है, हमारे एक्शन रिएक्शन उस पर भी रंगों का असर होता है। और कुछ रंग हम लोगों को उत्तेजित करते हैं तो कुछ रंग हम लोगों को दिलासा देते हैं, और रंग हमारे सेहत पे भी असर कर सकता है। जैसे रंगों के बिना हमारा जीवन अधूरा है, वैसे ही रंगों के बिना अपना घर भी फीका रहता है। आज हम रंगों का इस्तेमाल घर में कैसे करते हैं इस पर जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर, चलिए शुरू करते हैं। होम पेंटिंग कलर कॉम्बिनेशन। व्हाट इज पेंटिंग? पेंटिंग, पेंट एक मटेरियल है जो दीवार के सरफेस को एक फाइनल फिनिश देने के लिए एज वेल एज उसको डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। पेंट एक पिगमेंटेड और नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, वो पूरा दीवार का सरफेस क्लियरली कवर करता है, और पेंटिंग वेदर इफेक्ट जो भी रहते हैं उससे भी दीवार को प्रोटेक्ट करता है, और कुछ मेटल वगैरह रहता है उससे करोजन से भी दीवार को प्रोटेक्ट करता है। पेंटिंग एक बहुत ही सस्ता टाइप का एक इंटीरियर डेकोरेटर है। इंटीरियर एक्सटीरियर पेंटिंग का इम्पोर्टेंस अलग अलग रीजन से जाना जाता है। पेंटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाई पेंटिंग इज इम्पोर्टेंट? सबसे पहले पेंटिंग, जैसे घर की रौनक बढ़ाने है, दीवारों को सजाना है, मेन उसके लिए उसका इम्पोर्टेंस, जैसे अट्रैक्टिवनेस है, इंक्रीज अट्रैक्टिवनेस ऑफ प्रॉपर्टी और बिल्डिंग हाउस वॉट एवर। और उसके साथ ही प्रोटेक्टिव ऑफ कोटिंग, मतलब जो भी कोटिंग है उसका प्रोटेक्टिव, जैसे करोजन हो गया, वेदर हो गया, इससे प्रोटेक्शन करना है। उसके साथ ही पेंटिंग अच्छा होने से उसका प्रॉपर्टी वैल्यूज को इंक्रीज करना, जैसे प्रॉपर्टी पेंटिंग जैसे आप ज़्यादा अच्छा करोगे या फिर अट्रैक्टिव करोगे उसके हिसाब से उसका प्रॉपर्टी वैल्यू भी इंक्रीज होता है। और उसका लास्ट में है हेल्थ बेनिफिट। पेंटिंग के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो हम आगे जानेंगे। अभी घर में कौन सा कलर कौन से रूम के लिए चूज करना है ये हम देखेंगे। इधर साइड में एक प्लान दिया हुआ है, ये एक बेसिक प्लान है जैसे कौन सा कलर कहाँ यूज़ करना है। इधर आप देख सकते हैं लिविंग रूम या फिर हॉल के लिए येलो रंग येलो कलर दिया हुआ है, बेडरूम्स के लिए ग्रीन दिया गया है, टॉयलेट के लिए बाथरूम के लिए ब्लू दिया गया है, और किचन के लिए ऑरेंज कलर दिया गया है। ये एक बेसिक प्लान है। जैसे ही हम इसे कोई सॉलिड रूल नहीं है कि कौन सा कलर देना है, फिर भी कलर हम चूज़ करते समय हमको बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कलर व्हील अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है, और इससे हमको प्राइमरी कलर एज वेल एज सेकेंडरी कलर कौन सा ये पता चलता है। अभी इधर आप एक बेसिक कलर व्हील देख सकते हैं जिसमें आप एक कौन कौन से सिमिलर कलर है, जैसे एक जैसे दिखने वाले जो कलर है उसका इधर देख सकते हैं, रेड है, ऑरेंज है, ये इधर आप देख सकते हैं इसको। ये व्हील में कैसे कौन से सिमिलर कलर है उसका एक ये एग्जाम्पल है। अभी जैसे रेड ऑरेंज ऑरेंज येलो या फिर येलो ग्रीन, इस टाइप के सिमिलर कलर का एक एग्जाम्पल है। अभी एक जिससे दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट मतलब एक दूसरे के जो अपोजिट कलर्स है उसका ये एग्जाम्पल है। जैसे अभी ये इसका एक लुक एकदम वाइब्रेंट लुक रहता है, और इसमें जैसा ऑरेंज और ब्लू है उसके साथ ही येलो और पर्पल है, इधर आप देख सकते हैं ऑरेंज ब्लू है येलो पर्पल है। ये कलर अब जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है, कोई एक कलर डोमिनेंट रहना है और दूसरा एकदम सबटल रहना है, तो मतलब प्राइमरी है सेकेंडरी आप बोल सकते हैं उसको। इसके ऐसा होने से ही कुछ आपको मतलब एकदम ऑड रिजल्ट नहीं आएगा। अभी आगे हम देखेंगे मोनोक्रोमेटिक। ये मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही कलर रहे हैं उसके अलग अलग शेड्स रहते हैं। जैसे भी आप कोई भी पेंट के दुकान में जाते हैं या फिर पेंट के अलग अलग कंपनी का, उसका अलग एक शेड कार्ड रहता है, वो शेड कार्ड में आप देख पता कर सकते हो कि एक ही कलर के डिफरेंट सारे शेड्स रहते हैं, और ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग ऐसे शेड कार्ड हम लोगों को देखने को मिलता है, हमारे चॉइस के हिसाब से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि घर के कौन से रूम में कौन सा कलर लगाते हैं। अभी जैसे इधर देख सकते हैं आप लिविंग रूम के लिए येलो कलर इस्तेमाल किया है, पीला कलर एक पॉजिटिविटी का एक ये है, तो पॉजिटिविटी दर्शाता है, और ये बहुत एनर्जेटिक भी कलर है।
और ये जहाँ ज़्यादातर हमारा दिन का जो भी टाइम है वो लिविंग रूम में रहता है, जो ज़्यादातर कॉन्वर्सेशन वहीं रहता है, तो उसके लिए हम लोगों को पॉजिटिविटी, रिफ्रेशिंग, इसका बेनिफिट हम लोगों को मिल सकता है। ये पीला कलर की वजह से एक घर में लवलीनेस आ जाता है और पीस ऑफ माइंड भी आप बोल सकते हैं वो भी रहता है। अभी आप देखेंगे किचन में ऑरेंज कलर यूज़ किया गया है। ऑरेंज कलर एक टाइप का एक वार्म कलर है जो स्टेबिलिटी और रीएश्योरेंस दर्शाता है। ये ऐसा मानते हैं कि इसके वजह से डाइजेशन के भी एक पॉजिटिव असर होता है और ये कलर जो है सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस को भी दर्शाता है। तो किसी का भी जनरल वेलनेस या फिर इमोशनल एनर्जी है तो उसको प्रमोट करने के लिए भी ये ऑरेंज कलर का यूज़ करते हैं। अभी हम बात करेंगे बेडरूम की। बेडरूम में ज़्यादातर ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन कलर बहुत ही शांत और स्थिरता का संकेत माना गया है और ये ग्रीन कलर स्थिरता, सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको गहरी नींद चाहिए तो ग्रीन कलर आपको बेस्ट ऑप्शन ऐसा माना जाता है। और ग्रीन कलर जैसे प्रकृति का, स्थिरता का, शांतता का और इसके साथ ही ग्रोथ का, फर्टिलिटी का और सुरक्षा का संकेत माना गया है। अभी हम बात करेंगे बाथरूम की। बाथरूम अक्सर हमेशा ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ब्लू कलर एक कामिंग और फीलिंग ऑफ क्वाइटनेस रहता है। और जैसे कि कलर ऑफ वाटर, जैसे आप देखते हैं समुंदर का पानी हो, इसे जनरली ब्लू कलर का ही माना जाता है। उसके हिसाब से ही ये जो बाथरूम का कलर है ये उसको क्लीन रखे या फिर हेल्दी रखने के लिए उसके हिसाब से ही ब्लू रहता है। अब ब्लू कलर एक सूथिंग, रिलैक्सिंग और समुद्र और आकाश के जैसा ही रहता है, इसलिए बाथरूम में ज़्यादातर पानी का इस्तेमाल होने की वजह से ही वहाँ ब्लू कलर का इस्तेमाल होता है। जैसे आप दिन भर काम करके थक के घर आते हो, घर आने के बाद आपको एकदम फ्रेश रहना चाहिए, तो उस हिसाब से ही आपका घर का पेंट का जो भी है वो चॉइस रहना चाहिए। तो और जो पेंट का डेकोरेटिव आपको एकदम प्लीजेंट रहना चाहिए। और अभी हमने जो चार मेन कलर डिस्कस किए इसके अलावा बहुत सारे कलर्स और शेड्स हैं जो आप घर के लिए यूज कर सकते हो और उसकी खूबसूरती बढ़ा सकते हो और अपना घर का डेकोरेशन इतना आप अच्छा बना सकते हो कि इसका आपको खुद को भी अच्छा लगता ही है, इसके साथ ही देखने वालों को भी वो अच्छा लगे। इसमें और एक नोट है कि अगर आप लाइट कलर और कूल कलर इस्तेमाल करते हो तो वो रूम का साइज बड़ा दिख रहा है, जबकि डार्क, डीप और वार्म कलर इस्तेमाल करते हो तो वो रूम का साइज छोटा दिखता है। तो दोस्तों ये आ रहा हमारा आज का टॉपिक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार अगर आप चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।